राजा मौली से जुड़े इंटरेस्टिंग किस्से। करियर की शुरुआत से कौन कौन से हिट फिल्में कर चुके हैं एसएस राजा मौली। कैसा रिश्ता है जूनियर एनटीआर और एसएस राजा मौली के बीच। ट्रिपल आर में राजा मौली का काम देख क्या बोले सेलिब्रिटीज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज हम बात करने वाले हैं 2022 की मोस्ट अवेटेड फिल्म ट्रिपल आर के डायरेक्टर एसएस राजा मौली के बारे में। कैसे कई सारी हिट फिल्में करने के बाद अब ला रहे हैं इस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म ट्रिपल आर। तो चलिए शुरू करते हैं। एसएस राजा मौली की गिनती साउथ फिल्म इंडस्ट्री में टॉप डायरेक्टर्स में से की जाती है। बाहुबली और मगधीरा जैसी हिट फिल्में करने के बाद अब हर किसी की नजर उनकी अगली हिट मूवी पर है। राजा मौली के पिता विजेंद्र प्रसाद की साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्क्रिप्ट राइटर है। वहीं उनके परिवार के कई सदस्य इस इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखते हैं। करियर के शुरुआती दिनों में राजा मौली राघवेंद्र राव के साथ सपोर्टिव डायरेक्टर के तौर पर काम करते थे। कहा जाता है राघवेंद्र राव ही वो इंसान है जिन्होंने राजा मौली को डायरेक्टिंग का काम सिखाया है। आपको बता दे, राजा मौली ने कर्नाटक में स्थित एवीएम थिएटर में भी काम किया है। ऐसे ही काम सीखते सीखते वो धीरे धीरे लोगों की नजरों में आए और एक दिन ऐसा आया जब उनके काम को देखते हुए उन्हें एक तेलुगु सीरियल को डायरेक्ट करने का मौका मिला। सीरियल का नाम था शांति निवास। वहीं स्क्रिप्ट राइटर होने के नाते उन्होंने कई सारी फिल्मों का स्क्रीन प्ले भी लिखा है, जैसे साल 2003 में सिम्हाद्री, 2004 में साय, 2006 में विक्रमारकुडू और 2015 में बाहुबली द बिगनिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उनके डायरेक्टिंग स्किल्स को देखते हुए उन्हें कई सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। राजा मौली ने डायरेक्टिंग के साथ साथ प्रोड्यूसर का काम भी सीखने में भी दिलचस्पी रखी है और साल 2012 में अंडाला राक्षसी नाम की मूवी को प्रोड्यूस किया। ये फिल्म तेलुगु भाषा में बनाई गई थी, हालांकि इसे बॉक्स ऑफिस में ज्यादा सफलता हासिल नहीं हुई। राजा मौली की जिंदगी में तब बड़ा मोड़ आया जब उनकी फिल्म बाहुबली द बिगनिंग ने धमाका मचाया। 2015 में आई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इस फिल्म को न केवल साउथ में बल्कि पूरे इंडिया में खूब पसंद किया गया और इसी के साथ डायरेक्टर एसएस राजा मौली का नाम सुर्खियों में आने लगा। वहीं 2017 में आई बाहुबली 2 अभी भी इंडिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है और वर्ल्ड में इसे दूसरी ऐसी भारतीय फिल्म में गिना जाता है जिसने सबसे ज्यादा कमाई की है। और अब लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि ट्रिपल आर अगली फिल्म होगी जो इस रिकॉर्ड को भी तोड़ने वाली है। आर इस साल 25 मार्च को रिलीज होने वाली है। इसमें दो स्वतंत्रता सेनानियों की अनसुनी कहानी को दिखाया गया है जिनके नाम है कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू। इन दोनों के रोल में जूनियर एनटीआर और रामचरण दिखने वाले हैं। वहीं इसमें बॉलीवुड के अक्षय कुमार और आलिया भट्ट भी कैमियो रोल करते दिखाई देंगे। इनके अलावा और कलाकार भी हैं जो आपको मूवी दिखाई देने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं मूवी में कोमाराम भीम का रोल करने वाले जूनियर एनटीआर और एसएस राजा मौली के बीच संबंधों की। इन दोनों की जोड़ी को जब भी एक साथ देखा जाता है तो दोनों का एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान भी लोग खूब तारीफ करते हैं। इन दोनों को एक दूसरे को जानते हुए करीब 20 साल हो गए हैं। वहीं अब ये जोड़ी ट्रिपल आर में अपने काम को लेकर सुर्खियों में आने वाली है। एक्टर और डायरेक्टर के इस जोड़ी ने पहली बार स्टूडेंट नंबर 1 में काम किया और इसके बाद सिमाद्री, यमाडोंगा जैसी कई सारी फिल्मों में एक साथ काम किया है। एक इंटरव्यू के दौरान जूनियर एनटीआर राजा मौली की जमकर तारीफ करते हैं और कहते हैं उन्होंने जब भी एसएस राजा मौली के साथ काम किया है उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखा है। वहीं आगे जूनियर एनटीआर कहते हैं उनके साथ काम करना उनके लिए सम्मान की बात होती है। अब जानते हैं राजा मौली की आने वाली फिल्म ट्रिपल आर जब सेलिब्रिटीज को पता चला तो किस तरह का रिस्पांस देखने को मिला था, यानी जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया तो उसे शेयर करते हुए सेलिब्रिटीज ने किस तरह के रिएक्शन दिए थे। रश्मिका मंदाना और वरुण तेज ने टीजर को मैडनेस और माइंड ब्लोइंग देखते हुए शेयर किया था। वहीं ट्रिपल आर के ट्रेलर ने पूजा हेगड़े को स्पीचलेस कर दिया था। उन्होंने ट्रेलर को शेयर करते हुए लिखा, स्पीचलेस, जब तक मैं ये नहीं समझ लेती कि मैं अपनी भावनाओं को कैसे समझाऊं तब तक मैं खड़ी रहूंगी और पूरी टीम को चीयर करूंगी। राणा दग्गुबाटी बाहुबली एक्टर भी एसएस राजा मौली की तारीफ करते हुए पूरी टीम को ऑल द बेस्ट कहते हैं। ऐसे ही और भी कई कलाकारों ने पूरी टीम को शुभकामनाएं दी थी और फिल्म को लेकर अपनी एक्साइटमेंट दिखाई थी। अब तो बस सभी को ट्रिपल आर के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार है।